मोमिटार आ रहे हैं यहाँ पर सिर्फ 80 केजी, 180 या 80 सिर्फ 180 मोमिटार जो है वो 83 कैटेगरी, 83 कैटेगरी। इससे बड़ी मोटिवेशन क्या चाहिए लड़के को डांस साथ हो तो? बराबर, बिल्कुल अच्छी बात है अगर अच्छे कामों में पेरेंट्स बच्चों के साथ हैं, ये अच्छी बात है। आप जरा इसको एक्सप्लेन कीजिए कौन सी कैटेगरी है और क्या है। 83 में जूनियर, 180.5 ये रिकॉर्ड होने वाला है 180.5। मोमिटार किश्तवाड़ की काफी लोगों की धड़कन, मोमिटार पूरे ड्रेस में है। मुझे बताया गया था जो बेल्ट मोमिन को लगी उसकी 25,000 कीमत है। जी आजम, क्या ये सच है? 25,000 रुपए की बेल्ट लगी और मोमिन प्रोफेशनल है। 180.5 ये रिकॉर्ड बन गया, 180.5 180.5 83 कैटेगरी में जूनियर में। वकार बागवान, वकार बागवान, एक सौ 180.5 जो है वो लिया उसने 200 किलो। उठाएगा भी ऐसे जोश में आके कर वकार बागवान 2 क्विंटल उठाएंगे यानी कि 200 केजी, यानी कि मेरे जैसे जैसे ये ढाई बंदे उठाएंगे वकार, मेरे जैसे ढाई बंदे यानी कि 2 मुझे मिलाकर फिर और आधा उठाकर उठाएंगे। मोमिन जो है वो कहीं नजरें लटकाए हुए हैं कि वो चाहेंगे कि इस रिकॉर्ड को फिर तोड़ना। ये और मोमिन एक ही कैटेगरी में, बिल्कुल प्रदीप पावर लिफ्टिंग चैंपियन भी है। शाबाश, प्लीज बाकी साइड पे वो नहीं एक मिनट नहीं, इसको कोई साथ में भी रखो ना, कहीं कहीं बड़े जवान पीछे हैं प्रमाण कर दो पीछे नजर मिलाना। इजी रेड बट वेरी गुड अटेम्प्ट। वकार ने जो है वो पूरी लिफ्ट ली लेकिन बदकिस्मती से जो है वो पूरी तरह बैठ नहीं पाए। अब मोमिन की जो है वो सक्सेसफुल रही यानी कि वो 180 प्लस ही आप ले सकते हैं। या प्रदीप 200 प्रदीप अटेम्प्ट
अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि प्रदीप पावर लिफ्टर 93 में प्रदीप ने जो है वो 150 किलो भी शायद पावर लिफ्ट उठाई थी पिछले साल, बैच स्क्वाट अलग है लेकिन उठाया था सीनियर में से 93। शाबाश, यहाँ पर जो है वो लड़कियों की भी सपोर्ट है प्रदीप को, जो हमारी महिलाएं यहाँ पर लड़कियां आई हैं, शाबाश, ओ वेरी गुड। प्रदीप ने यहाँ पर 200 केजी उठाया और ये सक्सेसफुल, तीन वाइड 200.5 सक्सेसफुल, 200.5। हमारे अंपायर थोड़ा मशरूफ हो रहे हैं, 2 मिनट का मौन रख करेंगे तब तक। प्रदीप ने 200.5 के जी 93 कैटेगरी में 5 अटेम्प्ट किया क्लियर। ये पावर लिफ्टर किश्तवाड़ के जाने माने तैयब तरक 150 सब जूनियर कैटेगरी में, यानी कि 18 से 23 या 18 यानी कि तैयब 150 किलोग्राम उठाएंगे और तैयब की उम्र जो है वो 18 साल से कम है। होम मिनिस्टर घर से आए थे तो उतना ही करते हैं, समझ सकते हैं सारे यहाँ। जब होम मिनिस्टर आए तो बड़ी बड़ी कुर्सियाँ हैं, ये तो हम पाए। 150.5 तो ये 50.5 जो 0.5 है वो इसलिए है क्योंकि जो लाख लग रहे हैं उनके 2.5 के जी वजन है, 250 ग्राम है, माफ कीजिए 2.5 के जी है कि 250 ग्राम है। ओके, तो ये 18 साल से कम है, तो ये ट्रक इजी बच्चा, इजी, गुड कॉन्फिडेंस, वेरी गुड, यस वाइड, ये क्लियर हो गई 150, तैयब ने क्लियर कर लिया। सब जूनियर यानी कि जो तैयब जो है उनकी उम्र जो है वो 18 साल से कम है और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे नौजवान जो है वो इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं और जहां हम एक तरफ से ड्रग्स की तरफ से जो है वो जूझ रहे हैं वहीं दूसरी तरफ लड़के जो यहां पर हमारे हैं वो स्पोर्ट्स एथलीट में जो है वो आगे जा रहे हैं। मेरी उन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है जिनके बच्चे इस वक्त ड्रग एडिक्शन से मुब्तला है, वो उनको काउंसलिंग करने के लिए पुलिस के पास लाएँ और इस फील्ड की तरफ जो है उनका जो है वो कराए। ये एक कंपटीशन है, चाहे फेल हो पास हो, लेकिन हमने देखा कि किस तरह से जो है अब से कुछ देर पहले एक खिलाड़ी ने 200 किलो जो है वो अन अटेम्प्ट किया लेकिन उठाया, उन्होंने ऑलमोस्ट उठाया। सेल्फ फिटनेस भी जो है वो अपने आप में सबसे बड़ी बात है, ड्रग्स एक समाजी लानत है जबकि ये एक जो है एक इज्जत है। चल गुड, लगता है ये कामयाब हो गया। कितना रिहान ने 160, रिहान कितना उठाया, कितना उठाया रिहान, कितना उठाया आपने 165 पर? नुमान 180, नुमान शेख सनाब अजगर अली शेख, जिनको बिट्टा शेख के नाम से जाना जाता है और उनको रेड क्रॉस भी कहा जाता है, उनके जो है वो छोटे वाले बेटे हैं, छोटे हैं ना, छोटे दार साहब पुत्र, नुमान शेख भी 180.5। अगर नुमान उठाते हैं क्योंकि मोमिन भी इतना ही उठा चुका है तो रिकॉर्ड किसके पास रहेगा? अच्छा, वेट कम है उसका, कुछ ग्राम अलियास बैलेंस नहीं है, ये बैच रहेगा इनकी, आप पहला है इनका फर्स्ट है, इनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, नुमान का फर्स्ट अटेम्प्ट है, मोमिन जो है चैंपियन भी है। कल पुराने दोस्त मार लेगा तू, शाबाश,
शाबाश ओह वेरी गुड क्लियर लेफ्ट ताले हो जाए कमाल के लिए मुमिन का रिकॉर्ड इस वक्त बराबर किया पहले ही अटेम्प्ट में मुमिन की कुर्सी खतरे में हालांकि रिकॉर्ड मुमिन के पास ही रहेगा क्योंकि उनका वजन कम है फ्यू ग्राम्स वजन कम है नेक्स्ट उमर फारूक उमर कितना 180.5 ये 83 सीनियर कैटेगरी में अच्छा प्रदीप इसी कैटेगरी प्रदीप 93 है का अगर ये इस वक्त यानी कि जो इस वक्त प्रदीप का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उसने 200 मारा है 83 में 200 पिछले ये 180 है 180 है रिकॉर्ड प्रदीप के नाम पे ही रहेगा लेकिन एक पर्सनल रिकॉर्ड इनका जरूर रहेगा फैजान मिंटो आ चुके हैं यहाँ पर बहुत बड़ी हस्ती इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है शाबाश उमर उमर 180.5 गुड 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 ओह दैट्स ग्रेट उमर ने 180.5 ये इनका ये सीनियर में मोमेंट जूनियर कुर्सी खतरे में सैफुल्ला 140.5 सैफुल्ला 18 साल से कम उम्र के हैं और ये एक अच्छी बात है मैं बाकी नौजवानों से भी इस वीडियो के जरिए गुजारिश करूंगा कि वो आकर जो है वो पार्टिसिपेट कुछ खराबी आ गई है इतना भी स्ट्रिक थोड़ा सा नहीं पता नहीं था बेचारे को उसके बाद मोमेंडार उसके बाद बकार बागवान उसके बाद परदू काफी जोश मिल रहा है यहाँ से ये जो सपोर्टर है एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं गेम इसी का नाम है सैफुल्ला 140.5 डोंट वरी बी कूल आराम से ओके आराम से तो करो ओ प्लेयर जो भी अंपायर से साइड हट जाओ आपका काम क्या है उधर साइड हट जाओ गुड एक रेड फ्लैग दो वाइट यानी कि मार्जिन क्लियर गुड लिफ्ट आई है 140 क्लियर 140.5 अंपायर प्लेयर आपका क्या काम है साइड में किसी बैठो प्लेयर अंपायर के नजदीक ना बैठे 90.5 मोमेंटम 190.5 लिफ्ट तैयार हो रही है सभी की नजरें मोमिन पर गड़ी हुई है मोमिन काफी मशहूर है इतने मशहूर है जो कि आसिफ भैया इनके लिए जम्मू से आए हैं आज आज डिनर है मोमिन डार की तरफ से आसिफ भैया को जगह डिसाइड करेंगे कहाँ मोमिन की एक ही प्रॉब्लम है इसकी गाड़ी का रोज चालान होता है वो क्यों होता है नाम काफी है
है? नाम काफी है। नहीं नाम काफी तो चालान रोज, चालान पे रोज गाड़ी का नंबर। शाबाश शाबाश मोमिन, शाबाश मोमिन। रोल मॉडल जो है ना वो हर रिहा से अच्छा होना चाहिए। शाबाश, इजी इजी इजी। जूनियर 83 कैटेगरी, 83 के दिल में बसते हैं मोमिन डार, उनके रोल मॉडल बन चुके हैं अब आपके दौर के लिए। मैं इनका रोल मॉडल हूँ, ये नहीं मेरा। आप बहुत बहुत ये बेस्ट फ्रेंड। वही हाँ, मैंने दो तीन बार पीटा भी इसको गलत करने पे। आप जल्दी करें, हम पाइस लेट ला दें। फोकस 190.5, 180 कर पा कर लिया है। शाबाश, थोड़ा सा ये कहीं इम्बैलेंस ना हो। मैंने कमान मोमिन, कमान कमान मोमिन। गुड, और ये खुश मोमेंट। अभी आधे पे ही थे। स्माइल इनकी हो रही थी, उड़ता हुआ सब मोमेंट की तूफानी परफॉर्मेंस ने तूफान लाया यहाँ। तूफानी परफॉर्मेंस आजकल किश्तवाड़ का और आजकल किश्तवाड़ का और इंग्लैंड का जो मौसम है वो बिल्कुल एक जैसा है। कहा जाता है कि इंग्लैंड में भी जो है वो मौसम इसी तरह बदलता रहता है जैसे आज। इंग्लैंड और किश्तवाड़ का मौसम एक ही जैसा, बादल आप देख सकते हो। अब से कुछ देर पहले तो पूरी धूप थी, अब काले बादल आए हैं। यहाँ सिंथन की तरफ से आ रहे हैं ये, और जो यहाँ हमारा जो पाडर साइड से और यहाँ से डोडा जो है वो आ रहा है, आप देख सकते हैं ये बादल जो है वो जो इसके अपोजिट साइड जो पहाड़ी है वहाँ पर नागसिनी और पाडर का एरिया पड़ता है। इस वाले एरिया में आप देख सकते हो वहाँ से जो है वो बादल आ रहे हैं, हालांकि जो आधे से ज़्यादा आसमान जो है वो साफ़ है। तो अब किश्तवाड़ में जो है वो आज जून का महीना है, 17 जून है, फिर भी जो है यहाँ बारिशें हो रही है, ठंड है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी कुछ बच्चियाँ भी आई है, यहाँ पर बच्चियाँ भी जो है इस कंपटीशन को देखने के लिए आ रही हैं। अभी ये पता नहीं है कि शायद ये भी पार्टिसिपेट कर रही हैं कि नहीं। बारिश शुरू हो चुकी है, हवाएं तेज चल रही हैं। आप देख सकते हो कि टेंट भी जो है यहाँ पुलिस का नीचे आया, और हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि शायद आज के इवेंट को जो है वो यहीं पर रोका जाएगा क्योंकि बारिश हो रही है। अब अनाउंसमेंट क्या होगी? इतना ही होगा, इसके आगे कल शुरू होगा। शार्प 7 बजे कंपटीशन स्टार्ट होगा, 7 बजे कंपटीशन स्टार्ट होगा, सब्जेक्टेड टू फेयर वेदर कंडीशन। अभी हो ही नहीं सकता है। मॉर्निंग सुबह 8 बजे रखो, 7 बजे जल्दी। और कहाँ यार, कहाँ होगा, हो जाएगा। बाकी इधर उधर का ये 3 शिफ्टें कर ले, 3 इवेंट कराने, मेडल पहनाने, वो कहाँ पहनाए? मेडल सेरेमनी अगले दिन भी हो सकती है, कंपटीशन जरूरी है। अभी 8 बजे जो है वो डिसाइड किया है, बिल्कुल सब्जेक्टेड टू फेयर वेट कर दिया। पहला नंबर है बकार बागवान का, 8 बजे। इंग्लैंड और किश्तवाड़ के मौसम का कोई अब भरोसा नहीं। पहले मिसाल दी जाती थी कि इंग्लैंड के मौसम का कोई भरोसा नहीं, मैं किसी को डिमेंड नहीं करना चाहता हूँ, एक मिसाल थी इंग्लैंड के मौसम का और लड़की का कोई भरोसा नहीं।
क्या बताएंगे आपके भाई ने जो है वो आज 150 मारा, कितना 180 180 दो क्विंटल मारेगा। ओके भाई, खुश हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं बहुत ज्यादा। तो आप भी करेंगे क्या ज्वाइन? बस हम भी अगले साल हम भी मारेंगे। आप देख सकते हो कि बादल जो है वो बिल्कुल, आप देखिए कितना अच्छा व्यू जो है यहाँ पर किश्तवाड़ चौगान ग्राउंड का। अब यहाँ पर क्लोजअप किया जा रहा है जो यहाँ पर कंपटीशन था पुलिस की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट पुलिस किश्तवाड़ पावर लिफ्टिंग कंपटीशन, पुलिस मार्टियर मेमोरियल में जो है ये किया जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर डीएसपी डीआर सजाद खान सर, जो टेंट है उसको अब नीचे उतारा गया है क्योंकि तेज़ हवाइयों की वजह से जो है ये उड़ रहा था यहाँ पर। आज पहला दिन था इस कंपटीशन का। आप बादल देख सकते हो किस तरह से पूरे किश्तवाड़ में, जहाँ आज दिल्ली और जो बाकी इलाके हैं वहाँ पर गर्मी से जो है लोगों का बुरा हाल है, लेकिन यहाँ जून का महीना 17 जून डेट और फिर भी जो है वो बारिशें हो रही हैं और ठंड का माहौल।